गाइस इस एप्लीकेशन का नाम है प्लेयर स्टॉक एप्लीकेशन। और गाइस ये एक मनी अर्निंग वेबसाइट है, फैंटेसी क्रिकेट टीम्स बना के जो है आप जो है इसके अंदर अर्निंग कर सकते हैं। और अब तो गाइस आपको कबड्डी के भी इसके अंदर ऑप्शन दिखते हैं। गाइस कैसे टीम्स बनानी है वो तो गाइस अपनी आप अपनी स्क्रीन पे देख ही रहे हो। गाइस पहले की मैं कई सारी वीडियोस बता चुका हूँ, बट गाइस आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इसी एप्लीकेशन के बारे में। गाइस ये एप्लीकेशन इंडिया की ऐसी एप्लीकेशन है, ऐसी पहली एप्लीकेशन है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रू यूजर्स हैं। गाइस का मतलब होता क्या है, गाइस हम गाइस कई सारे ऐसे एप्लीकेशन देखते हैं इसके अंदर, गाइस यहाँ पे जो है करोड़ों रुपए का लालच दिया जाता है लाइक ड्रीम इलेवन, बट गाइस यहाँ पे जो है किसी को भी ऐसा पैसा नहीं मिलता है, या फिर आपने देखे भी नहीं होंगे जिन्होंने करोड़ रुपए जीते हों ड्रीम इलेवन से। गाइस वो ऐसा इसलिए होता है, गाइस उन्होंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो है ऑटोमेटिक कंप्यूटर से जो है जनरेट यहाँ पे जो है बॉट्स जो यहाँ पे जनरेट करे होते हैं, जिसके जरिए गाइस वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपनी टीम्स बना लेते हैं, अपने एक्स्ट्रा प्लेयर सेलेक्ट करके जो है यहाँ पे वो यहाँ पे जो है विनिंग कर लेते हैं। गाइस वो उन्हीं के खुद के बॉट्स होते हैं, किसी को भी जो है यहाँ पे रियल में यहाँ पे जो है लाखों या फिर करोड़ रुपए एप्लीकेशन में नहीं दिए जाते। बट गाइस प्लेयर स्टॉक में बेशक आपको जो है यहाँ पे लाखों करोड़ रुपए का लालच नहीं दिया जाता, बट गाइस थोड़ी थोड़ी जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरा बैलेंस, गाइस थोड़ी थोड़ी जो है आप हर मैच जो है अर्निंग कर सकते हैं, मतलब 2 से 3 मैचों में जो है आप अच्छी गाइस 1000-1200 रुपए की अर्निंग कर सकते हो। ये अर्निंग है मेरे सिर्फ 4 मैचों की जहाँ पे मैंने गाइस यहाँ पे जो है 1200 रुपए की अर्निंग करी है, साथ ही साथ जो है 500 रुपए का मैं विड्रॉल भी ले चुका हूँ। जल्दी जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। गाइस अभी अभी एंड हुआ है गुजरात जायंट्स वर्सेस दबंग दिल्ली का मैच, और गाइस मैच की कहानी कुछ ऐसे रही है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे कोशिश करी गुजरात जायंट्स ने मैच को जीतने की, बट उसके बावजूद जो है 4 पॉइंट्स यहाँ पे शिकस्त मिली गुजरात जायंट्स की टीम को। मैच के फाइनल विकेट के बाद का स्कोर था 34 पॉइंट्स दबंग दिल्ली और 30 पॉइंट्स यहाँ पे थे गुजरात जायंट्स के। गाइस रेडिंग में बिल्कुल मैच बराबर था, 19-19 के स्कोर थे। मेन डिफरेंस आया यहाँ पे डिफेंस के अंदर, जहाँ पे सुनील प्रवेश की जोड़ी बिल्कुल भी नहीं चली, प्रवेश जायसवाल ने एक भी पॉइंट यहाँ पे डिफेंस के अंदर नहीं लिया, वहीं पे सुनील ने सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट यहाँ पे लेने में सफल हुए। सचिन तंवर भी आज के मैच में बिल्कुल नहीं चल पाए, सिर्फ और सिर्फ 4 8 पॉइंट्स उन्होंने हासिल करे। रोहित गुलिया ने पूरी पूरी कोशिश की इस मैच में जीत दिलाने की यहाँ पे गुजरात जायंट्स को, 13 8 पॉइंट्स उन्होंने हासिल करे, बट उसके बावजूद भी आया दबंग दिल्ली से उनको यहाँ पे शिकस्त मिली। उसके अलावा बात करूं आज के प्लेयर ऑफ द मैच की, तो गाइस वहां पे नाम आता है नवीन कुमार गोयत का, जिन्होंने गाइस 11 पॉइंट्स यहां पे रेडिंग के अंदर लिए और 1 पॉइंट लिया यहां पे डिफेंस के अंदर। उसके अलावा अगर हम बात करें यहां पे डिफेंस में, तो डिफेंस में जो है जोगिंदर नरवाल ने जो यहां पे 2 पॉइंट्स लिए, उसके साथ रविंद्र पहल ने, जोगिंदर नरवाल और विशाल मान ने यहां पे 3 3 टैकल पॉइंट्स लिए और रविंद्र पहल ने यहां पे 2 टैकल पॉइंट्स हासिल करे। सो गाइस यहां पे ओवरऑल मैच की कहानी यही रही कि गाइस यहां पे जो है रेडिंग में दोनों टीम बराबर की थी, यहाँ पे रोहित गुलिया ने बहुत अच्छी यहाँ पे लीड दिलाई थी रेडिंग के अंदर, पर डिफेंस में जो है पूरी पूरी टीम यहाँ पे मात खा गई, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई भी डिफेंडर गुजरात में जायंट्स की टीम से नहीं चला। सो गाइस इतना ही, लेकिन जो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर चल को मैं तो क्षण में जय हिंद वंदे मातरम।